नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनपी न्यूज। किशनी में निकाली गई व्यापारी अधिकार यात्रा के दौरान प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने सरकार के समक्ष व्यापारियों के हित के लिए कई मांगे रखी। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक की रिपोर्ट। कोई भी सरकार बिना व्यापारियों के सहयोग से नहीं चल सकती। व्यापारियों व पत्रकारों का उत्पीड़न व्यापार मंडल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को पत्रकारों को सस्ते लाइसेंस व सब्सिडी पर शस्त्र देना चाहिए। सरकार मंडी शुल्क को तत्काल समाप्त करे। यह बात शनिवार को प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने किशनी नगर में व्यापारी अधिकार यात्रा के दौरान पत्रकारों से की। उन्होंने कहा, GST में 28% टैक्स लगाकर सरकार ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। सरकार को इसको 18% से कम करना चाहिए। GST की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की जाए। GST में नोटबंदी में सर्वाधिक प्रभावित व्यापार वर्ग हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। अध्यक्ष जी, आज आपने ये व्यापारी अधिकार यात्रा आप निकालने से क्या उद्देश्य है? व्यापारी अधिकार यात्रा का शुभारंभ 2 दिसंबर लखनऊ से किया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि सरकार और राजनीतिक दलों के द्वारा जो व्यापारियों को उपेक्षित किया जा रहा है, व्यापारियों के अधिकार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस तरीके से सभी व्यक्तियों को समाज में अधिकार पाने का हक है, इसी तरीके व्यापारियों को भी हक है, और व्यापारियों के अधिकार और मांगों को लेकर के ये यात्रा प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में निकाली जा रही है। उन्नाव, कानपुर, औरैया, इटावा, बस्ती, कई जनपदों में निकल चुकी है और आज हम लोग मैनपुरी में व्यापारी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य ये है कि व्यापारियों की जो मांगे हैं, जैसे मंडी शुल्क की समाप्ति हो, GST में जो सीमा सरकार ने 40 लाख की है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर 75 लाख से कम नहीं होनी चाहिए GST की जो सीमा है, और व्यापारी आयोग का गठन सरकार की पहली प्राथमिकता थी। उत्तर प्रदेश सरकार बनने से पहले सरकार के कई मंत्रियों ने प्रमुखता से इन बातों को रखा कि सरकार बनते ही आयोग बनेगा, उसकी सरकार चर्चा भी नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश का व्यापारी लोकसभा 2019 का भविष्य तय करने वाला है। इस बात को राजनीतिक दल और सरकारों को समझ लेना चाहिए। कुछ दिन बचे हुए, इन्हीं दिनों में जो मांगे सरकारों की, सरकार के द्वारा हम लोगों की है, उनको माना जाए।